Om Namaste. We welcome you to the series of Logical Vastu, Vedas in the Scientific Way, an initiative by Mannem Geoengineers. The series of videos are on the different aspects of Vastu. The topic for today's video is going to be in Vastu Padvinyas, the deities or the devatas, their positioning, the creation of energy in form of padas. So we start our today's session. Vastu Padvinyas. इसकी चर्चा हमें मानसार अध्याय 7 में मिलती है. 32 किस्म के पदविन्यास का जिक्र है उसके अंदर. 32 टाइप्स ऑफ पदविन्यास है मानसारा. चैप्टर 7 वी कैन रीड अबाउट इट. वी स्टार्ट द पदविन्यास बाय 1x1 मॉड्यूल और एनर्जी फील्ड. 1x1 1x1 पदा or energy field, that is called sakal. It's basically used for havan vidhi, for the creation of havan. Hum ek guna ek ka pad vinyas ke bare mein baat karte hain, charcha karte hain. Isko hum sakal kehte hain, jo havan ko banane mein kaam aata hai. Isme jo ek pad hota hai, ek by ek pad, wo brahma ka pad hota hai. जब हम देवताओं की बात करते हैं आने वाले सेशन के अंदर, जब हम देवताओं की बात करेंगे तो देव जो शब्द है दिव्य से आया है, और दिव्य का मतलब प्रकाश है, एक रोशनी, या हम कह सकते हैं एक लाइट एनर्जी, जो अलग अलग स्थानों में हमारे घर के अंदर यार वास्तु के अंदर बनती है, उत्पत्त होती है, एक डिफरेंट क्वालिटीज के साथ, एक डिफरेंट डायमेंशंस के साथ, अलग अलग स्थानों में. उसका एक रोल है हमारी लाइफ में, अलग अलग रोल है. जो बीच का सेल होता है ब्रह्मा पद का, बेसिकली वो लाइक मॉलिक्यूल की तरह, जिसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस का पार्ट है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके आगे चलने वाले ऑर्बिट्स हैं, इंटरकनेक्टेड हैं. उसी प्रकार जो ब्रह्मा है, जो सेंटर का पद है, वो अपनी एनर्जी फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में आसपास घुमाता है, और ये जो एनर्जी फील्ड घूमती है, वो घूमती है हमारे अर्थ के रोटेशन के हिसाब से. और जब रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर, और जो अर्थ की रोटेशन अराउंड द सन है, ये एक एनर्जी फील्ड्स को प्रोड्यूस कराते हैं. ब्रह्मा इज बेसिकली अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, जो फॉर्मलेस है, जो निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है. ये ओम की तरह या ओंकार की तरह निरंकार है, जो अनमैनिफेस्टेड है, जो मैनिफेस्ट होगी हमारे फर्दर सेशंस के अंदर. हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो एनर्जी मैनिफेस्ट कैसे होती है, किस फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होती है, उसको जानने की कोशिश करते हैं. जो ब्रह्मा है उसके चार मुख हैं, जो उसको पूर्व
का मुख है वो ऋग्वेद को संबोधित करता है। जो सोशल, रिलीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है, जो वास्तु के बारे में बात करता है, ऋग्वेद इसमें से हमें विश्वकर्मा सुक्ता, वास्तु स्थापत्य सुक्ता मिलता है। ये उसी का ही निर्माण है, ब्रह्मा का ही एक निर्माण है, ब्रह्म ऊर्जा का ही एक निर्माण है। उसकी जो दक्षिण दिशा के अंदर है, साउथ दिशा में है उसका जो मुख ब्रह्मा का, उसके चार मुखों में चार वेद हैं, और उसका जो दक्षिण मुख है ब्रह्मा का वो सामवेद को संबोधित करता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ लेसन्स अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ के बारे में बताता है। जो पश्चिम दिशा का मुख है, वेस्ट डायरेक्शन का मुख है, वो यजुर्वेद को संबोधित करता है, सेल्फ सैक्रिफाइस के ऊपर, विजडम्स के ऊपर, लर्निंग्स के ऊपर, एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करता है। जो उत्तर दिशा का मुख है, नॉर्थ डायरेक्शन का, वो अथर्ववेद को दर्शाता है, वो अट्रैक्शन को, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स को, क्रिएशन ऑफ एनर्जीज को, अकल्ट को दर्शाता है। तो जो ब्रह्मा के चार मुख है उसको अगर हम ध्यान से समझे, वो चार वेदों को दर्शा रहे हैं। ब्रह्मा अब तक अनमैनिफेस्ट एनर्जी है, एक अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, जो जिसको हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक बाय एक पदा को सकल कहा गया है। ये हवन की वेदी को इसका उसमें उपयोग होता है कि जब जैसे ही हम अपने हवन की वेदी में अपने विचारों को, मंत्रों को, अलग अलग बलियों को जैसे ही डालते हैं तो वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो भी चीजें हैं वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में, आकार के रूप में बाहर आते हैं। ये आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में ज्ञात करवाता है। कोई भी जगह पे अगर डेवलपमेंट रुक चुकी है, काम नहीं चल रहा है, तो वो इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि ब्रह्मा अपनी उत्पत्ति नहीं कर पा रहा। ब्रह्मा इज अ लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, वो हर एक चीज को उत्पन्न करता है। और अगर ये जो हमारा पद है ब्रह्म पद, ये अगर वीक है, किसी कारणवश दूषित है, यार इसके ऊपर कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है, तो ये वो अपनी क्वालिटी नहीं कर पाता, ये डेवलपमेंट नहीं कर पाता, बिकॉज ये डेवलपमेंट कर रहा है आपके लाइफ में नई चीजों के लिए। ये आपको अच्छे और बुरे की समझ जो होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी समझ भी नहीं आपको आती, क्योंकि अगर हम ब्रह्मा के जो वाहन को देखते हैं तो वो हंस है। हंस में एक क्वालिटी होती है नीर, शीर और विवेक की। वो एक ऐसी क्वालिटी है कि वो पानी को दूध में से निकाल देता है और अकेला दूध पी जाता है। वो एक ऐसे समझ को दर्शाता है जो अच्छे और बुरे के बीच में अच्छी चीज को ग्रहण करना और बुरी चीज को छोड़ना, ये जो समझ है ये ब्रह्मा का पद देता है। अगर ये पद खराब है या प्रॉब्लम में है तो हमारे नाभि में, हमारे हृदय में, हमारे पेट में रोग, यार उससे उसकी ऊर्जा कम होना, उसका नियमित रूप से काम ना करना, ये सब कुछ दर्शाता है। जैसे कि हमें पता है कि ब्रह्मा मीन्स द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, तो हमारे जो फैमिली लाइफ में क्रिएशन प्रोसेस
एक बच्चे का जन्म, एक फैमिली का बढ़ना, इस प्रोसेस में भी रोक दिलाता है। तो जिन जिन घरों में ब्रह्मा का पद में कोई एंटी एक्टिविटी होती है, तो उस घरों में वो घर बच्चों से वंचित रहते हैं, वो फैमिली जो बढ़ती है वो बढ़ नहीं पाती। और इस पद को समझें कि क्या क्या चीजें इस पद को खराब करती हैं। तो इस जो ब्रह्मा का पद है, जो क्रिएशन का एक पद है, इसके अंदर जैसे हमें पता है कि टॉयलेट्स, स्टेयर्स, सेप्टिक टैंक्स, ड्रेन पाइप्स, गंदा पानी, ऊपर नीचे होना, अनइवन होना, कुछ भी खराब या जो नेगेटिव चीजें क्रिएट करता है, लेदर के आइटम्स, हड्डियां, आइवरी के से रिलेटेड स्टफ्स, लोहे का फर्नीचर, कुछ भारी चीजें, पिलर, दीवारों की कॉर्नर्स, जूठे बर्तनों का होना वहां पर, तो ये सब चीजें ब्रह्मा के पद को खराब करते हैं और उसका नेगेटिव प्रभाव हमारी लाइफ में आता है। कुछ काला, कुछ डार्क ब्लू इंडिको कलर का कलर, कुछ डार्क ब्राउन कलर, कुछ भी डार्क, ये पर्टिकुलर स्थान डार्क हो तो ये सब ब्रह्मा के पद को खराब करता है। In the process of creation of energies of Brahma, we come to understand that it gives us quality to discriminate between good and bad. It helps us for the development in our work. It helps us from getting the raw material till the finished product. The complete process is being governed by Brahma. Brahma is a lot of creator, and if this pada is not fine, it hampers the creation process in the house. It even hampers the growth of the family, conceiving of kid or child. The reasons for the bad padas in the house are the toilet, stair, septic tanks, uneven ground, the drain pipes crossing, the pipeline, dirty utensils, anything, things kept negative in the house like leather items, bones, ivory stuffs, something of storage, iron furniture, anything heavy, pillars, corner of the walls, any black color, blue color, brown color. So these are the things which basically hampers the creation energy of Brahma to move around the house. Now we come to about the small remedial part of Brahma. In our shastras and sutras, there are many things written in different contexts. So, उन सभी को अलग अलग अगर हम बात करते हैं तो मानसारा कुछ अपनी चीजें बताता है कि कमंडल को लगाइए, कुछ चिन्हों को लगाइए। वैसे ही जो विश्वकर्मा प्रकाश है वो घी, खीर, सफेद कमल, चंदन का हवन करता है। सम्रांगर सूत्रधार केसर कमल के पानी से छिड़काव, फल फूल रत्न का अध्याय, धातुओं का अध्याय बताता है। गुग्गुल और कपूर का ध्वनि बताता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो अलग अलग शास्त्रों में दिए गए हैं।
इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं हमारे कोर्सेज में, जो मास्टर्स कोर्स होता है ऋषिकेश में, जिसमें देवताओं के बारे में, देवता तंत्र के बारे में हम बताते हैं, इसकी क्या क्या विधियां हैं, और हमारे पास देवताओं की ऊर्जा प्रदान करने वाले रेमेडीज हैं, बॉक्सेस हैं, जो अलग अलग देवताओं के ऊपर हैं, 45 देवताओं की ऊर्जा पद करते हैं। अब हम आगे इसी पद विद्यास के वास्तु ऊर्जा के ऊपर चर्चा करते हुए चलते हैं। जब हम 1/1 पद से आगे चलते हैं तो हम उसी के अंदर जो उत्पत्त होती हैं, जो सबसे पहले ब्रह्मा ऊर्जा को उत्पत्त करने की कोशिश करता है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म से मैनिफेस्टेड फॉर्म में, तो वो पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में आदित्य को उत्पत्त करता है, और दक्षिण दिशा में यमा को, पश्चिम दिशा में वरुण को, और उत्तर दिशा में सोमा को। ईस्ट में आदित्य, साउथ में यमा, वेस्ट में वरुणा, नॉर्थ में सोमा। और जैसे ये ऊर्जा अभिव्यक्त होती हैं, अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट की तरफ चलती हैं, तो 2/2 का पद का निर्माण होता है, जिसे हम पेचक कहते हैं। 2/2 पद को हम पेचक कहते हैं। इसमें 4 सेल्स होते हैं, और जैसे ही 2/2 पद का निर्माण होता है तो 4 देवता, 4 ऊर्जाएं और उत्पत्त होती हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईशान्य कोण की तरफ ईशा नामक, साउथ ईस्ट या अग्नय कोण की तरफ अग्नि नामक, साउथ वेस्ट नृत्य कोण की तरफ आकाशा, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण की तरफ वायु। हमारे शास्त्रों में जो सोमा को चंद्रमा भी कहा गया है, इसलिए चंद्रमा वार को सोमवार कहा जाता है। ये चंद्रमा का ही नाम है सोमा, और जलेश वरुण को कहा गया है हमारे शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर। अगर हम गहरा अध्ययन करते हैं तो वरुण का नाम जलेश कहा गया है। तो इस प्रकार 2/2 पद में, पेचक में, 8 ऊर्जाओं की उत्पत्ति होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2x2 वास्तु पदमंडला, द मूवमेंट फ्रॉम सिंगल सेल हैज बीन मैनिफेस्टेड, और द एनर्जीज आर इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग। फ्रॉम सिंगल सेल इट हैज बीन कन्वर्टेड टू 4 सेल्स। In the 4 cells, we find out the 4 devtas in the 4 corner of the main directions. Aditya in the east, Yama in the south, Varuna or Jalesh in the west, Soma or Chandrama in the north, and 4 more energies have been formed in the 2x2 pada, the Pechak pada. That are Ish in the northeast, Agnay in the southeast, Akasha in the southwest, and Vayu, ya Vayu in the northwest pada. जैसे हम आगे चलते हैं तो ये 2x2 जो पदास हैं, ये 9 cells के अंदर, 3x3 पदास के अंदर convert होते हैं। 9 cells का module बनता है, जिसमें जैसे हमने पीछे बनाया कि वो एनर्जीज अभी शुरू हुई थी, उत्पत्ति हुई थी उसकी पेचक के अंदर जो 2/2 पदा में थे, अब वो एनर्जीज पीठ के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं, पीठ पदा के अंदर।
और इसको हम आगे ब्रह्म विथि के नाम पे भी बात करेंगे कि विथि है ये, सेंटर में ब्रह्म विथि है, जब हम एकाश्रित या परम सहायक पदा की बात करेंगे, जो 9x9 या 81 पद का जो बात करते हैं उसमें, जो 81 सेल्स की बात करेंगे और 81 मॉड्यूल्स की बात करेंगे, तो उस टाइम पे हम इसका जिक्र करेंगे कि जैसे कैसी है हर एक विथियाँ बढ़ती हैं। तो इसमें सोमा नॉर्थ में, आदित्य ईस्ट में, यमा साउथ में और वरुणा वेस्ट में अपनी पोजीशन लेता है। ईश नॉर्थ ईस्ट में, अग्नि साउथ ईस्ट में, आकाशा साउथ वेस्ट में, वायु नॉर्थ वेस्ट में अपनी पोजीशन लेता है। इसे हम ब्रह्मपद कहते हैं, ब्रह्म विथि कहते हैं, और ये ब्रह्मपद के हमारे घर के अंदर आता है। इसके बारे में हम जैसे ही स्लाइड्स आगे चलेंगे हम बात करेंगे। अब ये जो हम 3x3 पदा से हम आगे चलते हैं, हमारे यहाँ 5x5 और 5x5 पदा में इसको हम उपपीठ कहते हैं। एक चीज अभी हम समझने वाले हैं इसके अंदर, जो तो इवन पदास हैं, जैसे हमने 2x2 के पदास की बात की, वो युग्मा पदा है। ये बेसिकली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को लेके, स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे आती है, जहाँ पे रिलीजियस पैटर्न आता है, जहाँ पे मंदिर का निर्माण होना होता है, जहाँ पर हम मेडिटेशन या किसी भी रिलीजियस चीज का निर्माण करते हैं, तो उसमें हम इवन पदास को यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हम मेटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं, तो उसमें हम पदास ऑड हो जाते हैं, उसमें हम अयुग्मा पदास कहते हैं उसको। जैसे कि 5x5, 7x7 या 9x9। तो अब हम 5x5 पद उपपीठ के बारे में बात करता है। जैसे ही हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ 9 एनर्जीज मिली हमें, जिसे हमने ब्रह्म विथि के अंदर पाया, पोजिशनिंग हुई, उसी प्रकार हमारे पास और ऊर्जाओं की उत्पत्ति हो गई। उसके साथ में सोमा और ईश के बीच में अदिति आ जाती है, इस पद का निर्माण होता है। ईश और आदित्य के बीच में जयंत का निर्माण हो जाता है, आदित्य और अग्नि के बीच में वृषा का जन्म होता है, यार पद की ऊर्जा आती है। अग्नि और यमा के बीच में विधाता का ऊर्जा आती है, यमा और पित्रा के बीच में भृंगराज की उत्पत्ति होती है, वरुण और पित्रा के बीच में सुग्रीव की होती है, वरुण और मारुत के बीच में शोषा की होती है, और मारुत और सोमा के बीच में मुख्य की होती है। और जो ब्रह्मा के आसपास जो पदों की हमें मिलती हैं, जो उत्पत्तियां मिलती हैं पूर्व दिशा की ओर आर्यमा की, दक्षिण दिशा की ओर विवस्वान की, पश्चिम दिशा की ओर मित्रा की, और उत्तर दिशा की ओर बुद्धा की, और उसके बीच में कार्डिनल डायरेक्शंस में बुद्ध और आर्यमा के बीच में आपवस्था की, आर्यमा और विविस्मान के बीच में सविस्मान, और मित्र के बीच में इंद्रा की, मित्र और बुद्ध के बीच में रुद्र की। तो इस प्रकार सारी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं, तो जैसे आदित्य पद की उत्पत्ति होती है, जो सोम और ईशा के बीच में अदिति, अदिति को अगर हम जानते हैं, तो ये कश्यप मुनि कश्यप की अर्धांगिनी है, पत्नी है। इनके 12 आदित्य हैं, इनसे जो अदिति के बेटे उनको आदित्य कहा जाता है, जो हम उसमें देखते हैं, जो 12 आदित्यों के अंदर, आदित्यों के अंदर पहला विविस्वान है, दूसरा आर्यमा है, तीसरा पुष्या है, चौथा तवस्ता है, पांचवा सविता है,
छठवां भागा है, सातवां धाता है, आठवां विदिता है, नौवां वरुणा है, दसवां मित्र है, ग्यारहवां सतुर है, बारहवां अरुकर्मा है। तो हम एक चीज को समझते हैं कि पूरे वास्तु पुरुष मंडला में हमें आदित्य के पुत्रों का ऊर्जाओं का आभास या एहसास होता है। तो उसमें से जितने भी हमारे पदा हैं, उसमें से काफी आदित्या के पदा हैं, आदित्य को रिप्रेजेंट करते हैं। द लॉर्ड ऑफ सन, द लॉर्ड ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य इज सोल, इट इज द गॉड ऑफ सोल, द इनर सोल ऑफ अ पर्सन। तो जैसे ही हम और आगे चलते हैं, हम इसके बारे में और क्लैरिटी मिलती है। तो इसके अगला जो हम ले रहे हैं, हम बिकॉज ये सेशन मोर मटेरियलिस्टिक बातों को लेके है, तो 7x7 पदास का स्थंडल पद का विन्यास के हम बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या प्राप्त करते हैं कि अब आपके पास 7x7 49 सेल्स हैं इस पदास के अंदर, और इसे मानुष विधि कहा जाता है। अगर हम इसके बारे में, इसके आउटर जो 24 आउटर पदास हैं, इसके बाउंड्री के जो 24 आप देखेंगे, इसमें 24 पदास बनते हैं बाउंड्री में, और इसके मानुष्य विधि कहा जाता है। और अगर हम पीछे में जाएं देविधि में, जो आउटर में 16 आउटर पदास बनते हैं, तो वो देविधि कही गई है उसको। इसके अंदर ईश जयन अपवत्सा आदित्य के एक एक पद होते हैं, सोम और बुधर के तीन तीन पद हैं, आदित्य आर्यमा या आर्यका के फिर तीन तीन पद हैं, विविस्वान यमा के तीन तीन पद हैं, वारुण और मित्र के तीन तीन पद हैं। आदित्य ईशा अपवस्तः जयन सवित्र वृषा विथाता अग्नि भृंगराज पित्र इंद्र सुग्रीव शोषा रुद्र मारुत या युवा मुख्य, इस इन सब के एक एक पद हैं। तो हम इस कंप्लीट प्रणाली को समझते हैं कि कैसे एक अनमैनिफेस्टेड एनर्जी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में है। ये सभी ऊर्जाएं ब्रह्मा की हैं, जो जैसे जैसे दूर हो रही हैं, सटलर हो रही हैं, और जैसे जैसे ये सटलर और डाइल्यूटेड फॉर्म में जा रही हैं, ये नई नई ऊर्जाओं का और नई नई देवताओं की उत्पत्ति कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 8x8 पद का। इस पदा को जरूरत नहीं थी बताने के लिए, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पदा सिस्टम है, बिकॉज कई जगह पर आज की डेट में साउथ इंडिया में 8x8 पदा का मंडूक या चंडता पद का काम उसके ऊपर होता है, देवता उसके ऊपर बिठाए जाते हैं। तो ये बेसिकली मंदिरों के अंदर या किसी भी तीर्थ स्थान या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को लेके, जिसमें हम इवन का मतलब है जो मॉड्यूल्स हैं उनको अपना साथी मिल चुका है, देयर इज नो नेसेसिटी, देयर इज अ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, that is why it is an even pada, there is a fulfillment of desires, that is why it has become the even pada, but the odd pada is still there to find its partner, to manifest its energy, there is still a desire. जब आप अपने अर्धांगिनी को या अपने opposite polarity को मिल जाते हो, तो आपकी quest खत्म हो जाती है। आपका male और female यार, एक मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं तो उनकी क्वेस्ट खत्म हो जाती है, और जब तक वो मेल या फीमेल अकेली है, उनकी क्वेस्ट जारी है एक होने के लिए। सो वी ऑलवेज यूज द युग्मा पदा, द ऑड फॉर मटेरियलिस्टिक एंड द इवन फॉर स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज यू हैव अचीव्ड योर गोल्स, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड नाउ यू आर सेटिस्फाइड। सो 64x64 पदा जब सेटिस्फैक्शन लेवल
को हम पार कर लेते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जय कैसे ऊर्जाएं नई बनी, तो इसके अंदर हम कुछ देखते हैं कि कुछ ऊर्जाओं का उत्पत्ति हो गई है, जैसे कि प्रजन्य की उत्पत्ति हुई है ईश और जयंत के बीच में, महेंद्र की हुई है आदित्य या सूर्य और जयंत के बीच में, सत्य और वृषा की हुई है आकाशा और अग्नि और सूर्य के बीच में, सविता की हुई है सवित्र के बाद एंड पुषा की हुई है अग्नि और विधाता के बीच में, गृक्षता की हुई है विधात और यमा के बीच में, गंधर्वा की हुई है यमा और भृंगराज के बीच में, मृगा की हुई है पितृ और भृंगराज के बीच में, इंद्र के बाद इंद्रराज या जया की हुई है इंद्र के साथ में, पितृ और सुग्रीव के बीच में द्वारक की हुई है, सुग्रीव और वरुण के बीच में पुष्पदंत की हुई है, वरुण और शोषा के बीच में असुर की उत्पत्ति हुई है, और रुद्र के साथ में रुद्राज या राजक्षमा की उत्पत्ति हुई है, वायु और शोषा के बीच में रुगा की उत्पत्ति हुई है, वायु और आदित्य या मुख्य के उदित्य या मुख्य के बीच में नागा की उत्पत्ति हुई है, और मुख्य और सोमा के बीच में बल्लाड की हुई है, मृगा या मृगा की उत्पत्ति हुई आदित्य या सोमा के बीच में, दिति या रुदिति की हुई है आदित्य और ईश के बीच में, आपहा की हुई है अपवस्था के साथ में, ये उत्पत्तियां हुई हैं हमारे चंडित पदा में या मंडू पदा में आठ एक्सेट्रिक्स में। तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि ये हाउ द एनर्जीज आर स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग। अगर हम 7x7 पदा पे देखते हैं तो हमारे पास लगभग 24 ऊर्जाएं अवेलेबल हैं और 25 ब्रह्मा के साथ में, और जैसे यहाँ पे आते हैं तो पूरी 45 हो जाती हैं, 20 ऊर्जा और अपना स्थान ले लेती हैं हम 8x8 पदा में या मंडू के चंडित पद में। और इसमें आप देखेंगे वायु या वायव्य और नागा के बीच में आधा आधा पद है, रुद्र और इष्मा के बीच में आधा पद, आपवस्था और आपहा में आधा आधा पद है, ईश और प्रजा पद है, अग्नि और पुषा को आधा आधा पद दिया गया है, पितृ और द्वारिक को आधा आधा पद दिया गया है, और इंद्र और इंद्रराज को आधा आधा पद है, सविता सवित्रा को आधा आधा पद है। आप देखेंगे जो कॉर्नर्स के अंदर जहाँ पे दो ऊर्जाएं जैसे ही ब्रह्मा से आर्यमान हुआ ईस्ट की तरफ, ब्रह्मा से विविस्वान हुआ दक्षिण की तरफ, ब्रह्मा से मित्र पश्चिम की तरफ, ब्रह्मा से बुधर हुआ की तरफ, तो जैसे बुधर और आगे देवताओं में मर्ज हुआ, बुधर की फील और देवताओं में मर्ज हुई, तो वो 64 पदा का रूप लेती हैं। आप उसको देख पाते हैं बुधर की एनर्जीज को, एनर्जी फील्ड को डेवलप्ड होते हुए। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि जो आर्यमान है उनसे जो फील्ड्स आगे उत्पत्त होती है, जयंत महेंद्र आदित्य या सूर्य सत्य वृषा आकाशा, ये सब ऊर्जाएं हमारी प्रोड्यूस होती हैं आर्यमान से। विविस्वान आगे जाके जो डिल्यूटेड स्टेट में पिथाता गरिक्षता यमहा गंधर्वा भृंगराज मृगा के अंदर आके डिल्यूट होते हुए जाता है, और जो मित्रा की एनर्जीज है वेस्ट में वो सुग्रीव पुष्पदंत वरुणा असुरा सोषा रुगा की तरफ जाता है, और ऐसे ही बुद्र की जो क्वालिटीज है नॉर्थ में हम उसको देखते हैं कि वो बल्लाड सोमा मृगा अदिति दिति की तरफ डिल्यूट होकर जा रहे हैं। सो इन सब में आर्या माँ की क्वालिटीज महेंद्र में भी है, सूर्य में भी है, सत्य में भी है, वृषा में भी है। ऐसे ही हर एक जो देवता है उसकी क्वालिटीज आगे डिल्यूशन में उन्हीं की क्वालिटीज को आगे हमने कैटेगराइज किया है। तो हम ऐसे ही
जब हम नेक्स्ट पद में जाते हैं जो 9x9 पदा है या एकाशिति पदा है या परम सहायक पदा है, तो इसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि इसके आउटर पेरिफेरी में 32 पद है और इसके बीच में अगेन हमारे पास 7x7 है जिसे हम स्थंदिल वास्तु पद कह रहे हैं और उसके अंदर 5x5 उपपीठ है, उसके अंदर पीठ है और उसके अंदर हमारे पास सकल है। तो जब हम इनकी ऊर्जाओं को बढ़ाते जाते हैं और जैसे ये मैनिफेस्ट की तरफ जा रही हैं टुवर्ड्स क्वालिटी एंड हमें पता लगता है कि ब्रह्म बिंदु को एक पद मिला है, ब्रह्म विधि जो 9x9 पद के आउटर पेरिफेरी में थी उसके 8 पदास थे, देवी जो 5x5 पदा के अंदर थी जिसे हमने उपीट कहा था उसके अंदर 16 पद पेरिफेरी में थे, उसके बाद हमारे पास थंडल जो पद था 7x7 का और उसके जो आउटर पेरिफेरी में 24 पदा थे, और उसके बाद 9x9 पदा जिसे हम एकाशिता कहते हैं उसमें आपको 32 पदास मिलते हैं। तो टोटल 9x9 पदास में 81 पद वास्तु पद विन्यास पूरा होता है। अब हम इनकी पोजीशनिंग को लेके लोगों में बहुत कई बारी कंफ्यूजन होती है कि ये कहाँ पे स्थित हैं, इनकी क्वालिटीज क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनको कैसे लोकेट किया जाए घरों के अंदर। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 20x40 फीट का एकाशित पद का। इसमें पहले हमें पता लगना चाहिए कि हमारा ब्रह्म विति या ब्रह्म स्थान कितना बड़ा है। ब्रह्म स्थान हमेशा 9 पदों 9th पार्ट ऑफ द कंप्लीट वास्तु होता है। तो जब हम 9 पद बनाते हैं उनके आगे 9 पद बनते हैं तो 81 पद बनते हैं और यहीं पे हमारे देवता विद्यमान होते हैं, द क्रिएशन प्रोसेस होता है। तो जो सेंटर का ब्रह्म पद है 9 सेल्स का जो 9वां हिस्सा है आपके वास्तु का, जैसे हमने बात की थी कि वहां से ही देवता क्रिएशन प्रोसेस शुरू होता है और वो देवता जैसे जैसे पेरिफेरीज तक जाते हैं अपनी ऊर्जा को सेग्रीगेट करते हुए डिल्यूट करते हुए पहुंचते हैं और उस सेंटर जो 9वें पद के एग्जैक्ट 9th पार्ट 1/9th पार्ट ऑफ द ब्रह्मविति ब्रह्म पद के अंदर उसे हम ब्रह्म बिंदु के नाम से जानते हैं, उसे हम ब्रह्म बिंदु कहते हैं। दैट इज एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट जिसकी बात हमने सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर की थी सकल के नाम पे, जहाँ पे हमने हवन के लिए कहा था वो एग्जैक्टली ब्रह्म बिंदु है। वहाँ से क्रिएशन प्रोसेस सिंगल पदा से 3x3 में हुआ, 3x3 के बाद 5x5 में हुआ, 5x5 के बाद 7x7 में हुआ, 7x7 के बाद 9x9 में हुआ। तो लोकेशन ऑफ आर्यमान आर्यका जिसे हम कहते हैं, कई शास्त्रों में आर्यका के नाम से दिया गया है, कई हमें आर्यमान कहा गया है, विविस्वान मित्र और बुधर, इसकी जो पोजीशनिंग है हमारे घर के अंदर। तो हम क्या जानते हैं कि जो ब्रह्म स्थान है द 9th पार्ट के बाद जो अपर टुवर्ड्स नॉर्थ जो एक पद बनता है 1/9 का, उसका 1/3 पार्ट अगर हम निकाल दें तो 2/3 पार्ट में बुधर आता है। और ऐसे ही ईस्ट डायरेक्शन में जब हम 9th पद को निकालते हैं और उसके 3 भाग करते हैं उसमें 2/3 में आर्यमान या आर्यका आता है। साउथ में जैसे ही हम उसकी पार्टीशन या पद को डिफाइन करते हैं तो
2/3, the ninth module का 2/3 part में विविस्वान आता है, west में 2/3 part में मित्र आता है। तो ये उनके positioning देवताओं की ब्रह्मा के बाद, ये कैसे आते हैं और कैसे आते हैं। और हम एक चीज इसमें देखें तो जो आर्यमा है, विविस्वान है, मित्र है और भूधर है, ये देव वित्तीय और मानुष वित्तीय दोनों विद्यमान है। ये दोनों पदों को अपने अंदर लेता है और इनके जो पद होते हैं छः छः सेल्स के होते हैं, छः छः क्यूब्स के या छः छः मॉड्यूल के पद आपके घर के अंदर मिलते हैं। ये हम विथीज बता रहे हैं, ब्रह्म बिंदु के बाद ब्रह्म विथी जिसका आउटर शेल है। विथीज शेल्स की तरह होता है, एक एरिया की तरह होता है, एक चक्रव्यूह जैसे हम बहते हैं एनर्जी का, जहाँ पे एनर्जी फील्ड्स अपनी अपनी पोजीशंस के बाद न्यू मैनिफेस्टेशन करती है, तो उसको हम विथीज कहते हैं। तो हमारे जो शास्त्रों के अंदर, सूत्रों के अंदर जो विथियों का विवरण है वो है ब्रह्म बिंदु के बाद ब्रह्म विथी, देवित्व, मानुष्य विद्या और पैसाचिक विद्या। नॉर्मली कहते हैं और सूत्रों में कई बार कई जगह पे लिखा गया है, मानासार में भी है और विश्वकर्मा में भी है, कि आपका जो घर है वो मानुष विद्या में बनना चाहिए और जितनी पैसाचिक विद्या हो उतनी बाउंड्री को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पैसाच मतलब एंटिटीज या एनर्जीज जो बेसिकली एलियन एनर्जी जो आपके माइंड के ऊपर खेलती हैं। तो मानुष वृत्ति के ऊपर भवन का निर्माण प्लॉट में करना चाहिए, और जैसे ही प्लॉट में आप निर्माण करते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, तो नई वृत्तियों का सृजन होता है, जिसमें पैसाचिक वृत्ति आपकी दीवारों की तरफ आ जाती है, मानुष वृत्ति उसे नीचे आती है। तो इसे में हम पोजिशनिंग ऑफ देवताओं के बारे में कहा है, और छः सेल का बुधर है, ये उनके स्थान हैं। एक चीज को हमें समझना पड़ेगा, जैसे ही हम एक ग्लोब को देखते हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस क्रॉस हो रही हैं हमारे ग्लोब के ऊपर, और जैसे ही वो क्रॉस होते हैं वो स्क्वायर शेप बनाता है। हमें एक चीज जाननी है, मानसारा ग्रंथ में लिखी गई है, अध्याय 11 के अंदर मानसारा में उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया है कि हर एक देवता स्थान है आपके घर के अंदर, वो दिशा नहीं है। देयर इज अ बिग कंफ्यूजन अबाउट दिशा एंड स्थान। एक देवता जो पैसाचिक वृत्ति में होता है वो 11.25 डिग्री का होता है, तो जब अगला देवता जाता है तो 11.25 के जो उसका स्थान है उसको के बाद अगला देवता, मतलब 11.25 से लेके 22.5 तक के बीच में दूसरा देवता आता है। तो ये जब भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो एक पद का करते हैं, तो जब भी आपके घर में डिविएशन 11.25 से ऊपर आती है तो ये पद आपने एक पद से अलग पद में शिफ्ट होते हैं। 5.625 उनका मिड रीजन है किसी भी पदा का, तो जब भी आपका 5.25 से लेके 11.25 का शिफ्ट आएगा एनर्जी के अंदर, तो एक पद अगला पद हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में कोर्स में हम बात कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इतना डिटेल देना मुश्किल होगा उसकी पोजिशनिंग को लेके। ऐसे ही जो आर्यमा है, बुधर है, विवस्वान है या मित्र है, इनके जो मानुष मिथि के अंदर ये 15 डिग्री के होते हैं, और जैसे इनका जो स्थान है, इनके जो तीन सेल्स हैं वो 15-15 डिग्री के होते हैं, और जैसे इनका स्थान देवती में आता है तो इनके जो सेल का साइज 22.5 का हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये नज़दीक टुवर्ड्स ब्रह्म बिंदु आ रहे हैं, जो सेल का साइज बढ़ रहा है, डिग्रीज बढ़ रही हैं इसके ऊपर, और जैसे ये एंड में
या पेरीफेरी तक जा रहा है तो ये डिल्यूटेड स्टेट में जा रहा है। तो एक एग्जांपल है कि जब भी शिफ्ट होता है एक पद का, तो आपके बुधर, आर्यमा, मित्र, विविस्वान कैसे शिफ्ट करता है, वो कैसे शिफ्ट करते हैं। तो ये एक छोटी सी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कि इनकी पोजीशनिंग क्या है। अब बात करते हैं जो ब्रह्म पद के पूर्व दिशा की ओर, आर्य का या आर्यमान जो वित्तमान होता है, जो आर्यमान का पद वित्तमान होता है, इसके दिक्पाल इंद्र हैं। और इसका एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, आर्यमान अर्थात सर्वश्रेष्ठ, आदरणीय, जो बहुत बड़ा है, जो बहुत गुण वाला है, जो रणनीतियों को निर्धारित करता है। और अगर इस पद, ये पद अच्छा है, अच्छा ही ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा है इसके ऊपर, और प्रॉपरली मेंटेन्ड है, क्लीन है, क्लटर फ्री है, तो जो आदमी है वहाँ पर उसकी रिमेम्बरिंग पावर बहुत तेज होती है, प्रॉपरली रिमेम्बर कर पाता है, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है, और वो किसी भी बात के सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में देते हुए और उसके विचार, उसकी नॉलेज, हर एक जितने भी एस्पेक्ट्स हैं किसी भी चीज़ के, उसकी वो नॉलेज लेता है, उसका ध्यान देता है, और उसके बिहाफ पे वो कार्य करता है, और उसको सही या गलत का नापदंड देता है। ये बेसिकली आपको नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में या विचार में आने से रोकता भी है। और अगर यही पद खराब है तो नेगेटिव थॉट्स आपके आसपास या दिमाग में आते हैं। इसका जो सम्रांगण सूत्रधारा में इसका जो रंग दिया गया है, ऑरेंजनिश, ऑरेंज रेडिश कलर का टोन दिया है, जो सूर्य की ऑरेंज रेड टोन होती है वो आर्यमा को दी गई है। इसकी जो बारे में आप सम्रांगण सूत्रधारा में 11वें अध्याय में और श्लोक नंबर 2 में पढ़ सकते हैं। ये आपको नेगेटिव थॉट से रोक के रखता है, और कोई भी आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालने की कोशिश करता है तो इसका जो वेपन बताया गया है ढाल और वर्छी कहा गया है, तो उसको ढाल की तरह आपको प्रोटेक्ट करता है। ये देवता प्रोटेक्शन का देवता है, और ये आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, और लोगों को के ऊपर कंट्रोल करना भी सिखाता है। ये आपके कनेक्टिविटी आउटर सोसाइटी के साथ, सोशली और अपने साथ, अपने इनर सेल्फ के कनेक्टिविटी बना रहा है, इनर सोल और आउटर सोल के साथ, आउटर लोगों के साथ आपके इनर सोल की। इसका जो आइकोनोग्राफी के हिसाब से जो इसके जैसे ही हम विश्वकर्मा प्रकाश में पढ़ते हैं तो उसमें लाल चंद्र और शक्र, भूरी शक्र जो होती है, और घी कहावन के बारे में बताया गया है। इसके अंदर कुछ धातु, कुछ रत्न डालने के बारे में कुछ विधियां बताई गई हैं सम्रांगण सूत्रधार के अंदर। जो आर्यमा है धन और संपत्ति को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका बहुत सारा विवरण हमें माना सारा ग्रंथ में मिलता है, विश्वकर्मा प्रकाश में भी और सम्रांगण सूत्रधारा ग्रंथ के अंदर इसका बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, अगर हम उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं। इस पद की भी हमारे पास कुछ रेमेडी जो बहुत ही इफेक्टिव है, ग्रंथों के अध्यायों के
रिसर्च के बाद हमने बनाई है। ये जो सेशन है आज आर्यमा पे हम खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानपूर्वक लगा होगा। ये एक प्रयास था लॉजिकल वास्तु वेदास इन द साइंटिफिक वे, इनिशिएटिव बाय मन्ने मूर्ति जियो इंजीनियर्स की तरफ से, ताकि जो वास्तु की प्रॉपर एजुकेशन, उसको देखने का ढंग, एक परिवर्तन आए, हम ऊर्जाओं को समझ पाए, उनकी ऊर्जाओं की शक्तियों को समझ पाए और वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या करते हैं हमारी जिंदगी में, उसका आभास कर पाए। ओम।